इस वीडियो के साथ ही हम जो सिक्स क्लास है उसका साइंस का सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है, हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है फूड। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें फूड के बारे में पता होना चाहिए कि जो फूड है वो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। आप लोग हर दिन अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ है वो अपनी लाइफ में मेंटेन करते होंगे, जैसे कि चलना, दौड़ना, पढ़ना, ये सारी एक्टिविटीज़ आप करते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, तभी तो हम सारी की सारी एक्टिविटीज़ अब परफॉर्म करेंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें मिलती कहाँ से हैं? तो इसका आंसर होगा फूड। मतलब जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं उसको करने के लिए हमारे पास एनर्जी है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो हम डेफिनेशन है फूड की वो देखेंगे जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। तो स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि वो जो भी आपको ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर, वीडियोस के अंदर करवाया जा रहा है वो अपनी फेयर नोटबुक लगा लें और उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन करें और उसको याद करें। जैसे ही आपके स्कूल है वो रीओपन होंगे तो आपका ये जो वर्क है वो चेक किया जाएगा। तो डेफिनेशन देखिए फूड की। फूड इज़ ए न्यूट्रिशियस सब्सटेंस दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट्स और ड्रिंक टू मेंटेन द लाइफ एंड ग्रोथ। फूड एक न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो खाता है या पीता है, ताकि वो अपनी जो लाइफ है उसको मेंटेन रख सके, अपनी जो ग्रोथ है उसको कर सके, अपनी बॉडी की ग्रोथ है उसको कंटिन्यू रख सके। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है ये क्या होते हैं। तो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस की अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हों, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशियस सब्सटेंस। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो भरपूर मात्रा में मिलते हों, तो वो हो गया न्यूट्रिशियस सब्सटेंस। तो ये तो फूड की हो गई डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि जो फूड के फंक्शंस हैं वो क्या होंगे। अगर फूड के फंक्शंस की हम बात करें तो फर्स्ट फंक्शन देखेंगे, वी ईट फूड टू गेट एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग, टॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा। तो हमें पता है कि जो फूड है उससे हमें एनर्जी मिलती है और इसी एनर्जी का यूज़ करके हम लोग बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है हमारी हर रोज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, टॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है ये फूड से मिलने वाली एनर्जी के कारण ही हम लोग कर पाते हैं। सेकेंड, अगर इसका फंक्शन हम लोग देखें तो सेकेंड फंक्शन है, देखिए, फूड कंटेन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी। फूड के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हर एक न्यूट्रिएंट है उसका अलग अलग फंक्शन होता है अपना। जैसे कार्बोहाइड्रेट का काम है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाना, प्रोटीन का काम है हमारी ग्रोथ को मेंटेन करना, वैसे ही हर एक जो न्यूट्रिएंट्स है उसका अलग अलग फंक्शन है। तो फूड के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, मतलब फूड है वो न्यूट्रिएंट्स में रिच है जो कि हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए जिम्मेवार है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फूड हेल्प्स अवर बॉडी टू रिपेयर एंड रिप्लेस द डैमेज टिश्यू फॉर बॉडी। अब आपने देखा होगा कि हमारी चोट लग जाती है तो कुछ दिन बाद वो अपने आप ठीक हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी है वो उसको रिपेयर कर लेती है। तो ये पावर है बॉडी की, रिपेयरिंग की जो पावर है वो कहाँ से आई? तो वो आती है हमारी फूड के कारण, मतलब फूड के कारण ही या फूड की सहायता से ही हमारी जो बॉडी है वो रिपेयर कर पाती है और जो डैमेज्ड टिश्यू है या हमारी जो डैमेज्ड सेल्स हैं उनको रिप्लेस कर पाती है और न्यू सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये चीज़ें भी किसके कारण पॉसिबल है? फूड के कारण पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फूड कीप्स अवर बॉडी फिट एंड हेल्दी बाई प्रोवाइडिंग अस द एबिलिटी टू फाइट विद डिजीज। अब फूड है वो हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने का काम करता है, हमें स्वस्थ रखने का काम करता है। और ये चीज़ें होती किसके कारण है? कि जो हमारा फूड है वो हमारी बॉडी को एक ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करवाता है हमारे शरीर को या हमारी बॉडी को, जिसके कारण हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो क्या करेगी, जो वेरियस डिजीज़ है
उनसे फाइट करेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपके कॉमन कोल्ड होता होगा, जुखाम, तो कुछ दिन बाद अगर आप कोई भी टैबलेट या मेडिसिन ना लें तो भी वो ठीक हो जाता है। तो वो ठीक कैसे हो गया? मतलब इसका मतलब कि हमारी बॉडी में एक ऐसी पावर है जिसने उस कॉमन कोल्ड को अपने आप ठीक कर दिया। तो ये जो एबिलिटी है हमारी बॉडी की, ये जो इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की, ये किसके कारण आती है? ये भी किसके कारण आती है? फूड के कारण आती है। मतलब भोजन हमारे शरीर को ऐसा बनाता है कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी डिजीज़ है उनके खिलाफ लड़ सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फूड हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। और जो फूड है वो हमारी बॉडी को बनाने में या जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए जिम्मेवार है। उसके बाद देखें, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू रखेंगे। आपने देखा कि लोयन है वो क्या खाता है? मांस खाता है। जेब्रा ग्रास और लीव्स खाता है। डंके की बात कर ले हम लोग, डंके की बात कर ले यहाँ पे, तो डंके क्या करता है? छोटी मोटी झाड़ियाँ या ग्रास खाता है। उसके बाद अगर वेल की बात करें तो फिश, सी बर्ड और एनिमल्स ये खाती हैं। उसके बाद अगर क्रो की बात करें हम लोग, क्रो की बात करें तो क्रो कॉर्न हो गया आपका, स्मॉल एनिमल्स हो गए, एग्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये चीज़ें खाते हैं। उसके बाद हॉर्स की बात करें तो ग्रास खाता है आपका। तो आपने एग्जांपल को देख लिया होगा, अब आगे कंटिन्यू रखते हैं। अगर आप इन द अबो एग्जांपल, सम एनिमल्स ईट ग्रास ओनली वेयर आर सम एनिमल्स लाइक लोयन ईट फ्लैश ओनली, देर आर सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देयर फॉर ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री मेन ग्रुप्स। अगर ऊपर वाले एग्जांपल में हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो लोयन है वो क्या खाता है? एनिमल फ्लैश खाता है, मतलब मांस खाता है आपका लोयन। अगर हम देखें जेब्रा को तो वो क्या खाता है? घास फूस खाता है। डंके को देखें तो वो भी ज़्यादातर घास या आपकी जो झाड़ियाँ हैं या जो छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं उनको खाता है। वेल की बात करें तो वो भी ज़्यादातर आपके सी बर्ड्स हैं, समुद्री जीव है या एनिमल्स हैं या फिश उनको खाती है। अगर क्रो की बात करें तो एनिमल्स को खाता है, एग्स भी आपके इसके अंदर आ गए, आपके जो फ्रूट्स हैं उसको भी खाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें इन एग्जांपल्स को, तो लोयन है वो मांस खाता है, जेब्रा वो भी पेड़ पौधे खाता है, अगर वेल की बात करें मांस खाती है, क्रो की बात करें तो वो मांस भी खाता है लेकिन फ्रूट्स भी खाता है। फ्रूट्स किससे मिलते हैं? प्लांट से। मतलब हम कह सकते हैं कि क्रो है वो मांस भी खाता है और क्या खाता है? प्लांट्स भी खाता है। हॉर्स है वो ग्रास खाता है। तो इन एग्जांपल्स को कि कौन सा जो एनिमल है वो कौन कौन सी चीज़ें खाता है, उसके हिसाब से हमने एनिमल्स को थ्री मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया उनके फूड के हिसाब से, कि वो जो एनिमल्स हैं वो खाते क्या हैं उनके हिसाब से, उनके फूड हैबिट्स के हिसाब से एनिमल्स को हमने कैटेगराइज कर दिया। और वो तीन ग्रुप्स कौन कौन से हैं? वो हैं आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। अब ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स क्या होते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर से कहूँगा कि जो भी आपको इस वीडियो में करवाया गया है उसको आप नोट डाउन करें अपनी फेयर नोटबुक में और उसको याद करें। जस्ट थैंक्स।